तो स्पेशल केस में हमने एवरेज प्रेशर क्या निकाला, 1/3 रो वी स्क्वायर। वो कहते हैं काम करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से 1/2 इसके ऊपर ले आओ और हाफ यहीं रहने दो। तो हाफ एम वी स्क्वायर अलग कर लो, बाकी यहीं रहने दो। अब ये किसका मास है, एक मॉलिक्यूल का मास है, तो ये किसकी काइनेटिक एनर्जी है, एक मॉलिक्यूल ऑफ गैस की काइनेटिक एनर्जी है। तो यानी कि एवरेज प्रेशर इज 2/3 इंटू एन इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। मतलब ये दिखाना चाह रहा है कि आप एवरेज प्रेशर से एक मॉलिक्यूल की गैस की एनर्जी भी निकाल सकते हो। मतलब इतना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि प्रेशर से आपने क्या निकाल दिया, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। याद नहीं करना वो अलग बात है। अब वो कह रहा है कि इसी रिजल्ट को फिर से, ये एवरेज प्रेशर है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो। अब हाफ एम वी स्क्वायर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो क्या मैं इसकी जगह लिख सकता हूं, दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यानी कि एवरेज प्रेशर से आप काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी निकाल सकते हो किसी भी गैस का। करना नहीं है वो अलग बात है, वो इंपॉर्टेंस बता रहा है। फिर वो कहता है काम करो, आप मॉलिक्यूल पे काम क्यों करते हो, एक मोल पे काम करो। तो एक मोल के लिए PV=RT, एवरेज प्रेशर क्या होता है, 1/3 रो वी स्क्वायर। आप डेंसिटी को लिख सकते हैं टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल मास में मॉलिक्यूलर मास लेना, क्योंकि वन मोल की बात हो रही है। तो इसमें पीवी एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो 2 इधर ले लिया, 2 इधर ले लिया, तो हाफ इंटू एम वी स्क्वायर और 3/2 इधर ले जाओ, तो पीवी की जगह आरटी पुट कर देना। तो हाफ एम वी स्क्वायर में कैपिटल एम टोटल एक मोल का मास है। तो ये काइनेटिक एनर्जी किसकी आ गई, 1 मोल ऑफ अ गैस 3/2 RT। याद नहीं करना, पर आप इंपॉर्टेंस देखो कि एवरेज प्रेशर से आप एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, एवरेज प्रेशर से आप एक मोल ऑफ गैस की भी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस। सेम रिजल्ट लिख दो जो ऊपर किया, 3/2 RT इज हाफ एम वी स्क्वायर। ये रिजल्ट लिखो, इस रिजल्ट में ये पूरी गैस का मास है। गैस का मास होता क्या है, एक मॉलिक्यूल का मास इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो ये टोटल गैस का मास है, एम का मतलब मॉलिक्यूल का मास है, हाफ एम वी स्क्वायर एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, और आर बाय एन क्या होता है, गैस कॉन्स्टेंट बाय एवोगाड्रोस नंबर को बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं। ये छोटा एम है, तो ये क्या आ गई, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस। तो मतलब एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हो। मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT और मोल की काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT। जब भी वैसे भी आरटी यूज होता है ना रिजल्ट में, आरटी याद रखना फिजिक्स में, आरटी तो वो 1 मोल के लिए काम हो रहा होता है, और जब वो केटी यूज करता है कभी भी तो वो एक मॉलिक्यूल के लिए काम हो रहा होता है। मैं दिखाऊंगा इसको यूज करके बार बार। तो ये रिजल्ट्स आपको याद नहीं करने, आपको क्या याद करना है मैं आप थोड़ी देर में बताऊंगा। ये रिजल्ट में जैसे 3/2 RT हाफ एम वी स्क्वायर किया, 2 से 2 कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने वेलोसिटी निकाल दी। ये याद करना है, इसको बॉक्स में डाल लो। इस वेलोसिटी का नाम है RMS वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती क्या है, देखो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, सपोज करो आपके पास गैस के अंदर बहुत सारे लाखों मॉलिक्यूल्स हैं, V1, V2, V3, V4 वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। कोई ये कहता है कि मुझे एवरेज वेलोसिटी मॉलिक्यूल की क्या होगी, तो जो एवरेज वेलोसिटी है ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, अब क्या करोगे, V1, V2, V3, V4 अपॉन n एवरेज वेलोसिटी। पर प्रॉब्लम ये है कि इन एवरेज वेलोसिटीज के अंदर जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो रैंडम मोशन में मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो डायरेक्शन भी लेनी पड़ती है, जिस वजह से काफी कंपोनेंट्स कैंसिल भी हो जाते हैं, तो आपकी वेलोसिटी सही नहीं आ पाती। तो इसका एक अलग तरीका निकाला जाता है कि आप क्या करते हैं, आप वेलोसिटीज का पहले स्क्वायर ले लें, कि जो नेगेटिव वेलोसिटीज हैं वो भी पॉजिटिव हो जाएंगी। आप सभी वेलोसिटीज का स्क्वायर लें और उनका एवरेज ले लें, तो ये क्या आ गई, वेलोसिटी का स्क्वायर का एवरेज आ गई। पर आपको तो वेलोसिटी निकालनी है, तो आप एंड में इसका अंडर रूट ले लें। तो आपने क्या लिया, रूट, फिर आपने क्या लिया, मीन, और किसका मीन, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। इसलिए इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज। ये एक्यूरेट रिजल्ट देती हैं और बेटर रिजल्ट देती हैं एज कंपेयर टू एवरेज वेलोसिटीज, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का चक्कर नहीं रहता। तो एक तरीका, लाखों मॉलिक्यूल्स की आप मुझे वेलोसिटी बताओ, मैं स्क्वायर करूंगा, उनका एवरेज लूंगा, अंडर रूट लूंगा, वो तो बहुत मुश्किल है।
इसकी जगह ये जो वेलोसिटीज यूज कर रहे थे ये ऑटोमेटिकली आरएमएस वेलोसिटी होती है, ये ज्यादा बेटर है। तो ये फॉर्मूला किसका आ गया? आरएमएस। एक्चुअल में वो चीज है, निकाला किसी और तरीके से। आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपका सिर्फ न्यूमेरिकल आएगा आरएमएस के ऊपर, तो फॉर्मूला पता होना चाहिए वीआरएमएस का, अंडर रूट ऑफ 3RT/m, वेयर m इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस। तो इसमें आरएमएस वेलोसिटी जो होती है वो किस पे डिपेंडेंट होती है? गैस के टेम्परेचर पे। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा आरएमएस वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। पहला रिजल्ट है, क्योंकि एवरेज प्रेशर में जो वेलोसिटी यूज हो रही थी वो आरएमएस थी। तो जैसे मैंने यहां से निकाल लिया एवरेज प्रेशर के रिजल्ट से आरएमएस, ऐसी एवरेज प्रेशर का ये भी फॉर्मूला है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वेलोसिटी निकालोगे तो ये भी फॉर्मूला किसका होगा? वी आरएमएस। तो ये दूसरा फॉर्मूला है आरएमएस का, आप ये भी याद कर सकते हैं, ठीक, ये भी याद कर सकते हैं। अब जो याद करने वाला असली फॉर्मूला है वो ये है, इसके प्रूफ नहीं करने। पहला रिजल्ट कि अगर आपसे कोई ये पूछे कि गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं मूविंग विद वेलोसिटी v1 v2 v3 अप टू vn, आप मुझे सिर्फ एवरेज वेलोसिटी बताओ क्या होगी, तो आप v1 प्लस v2 प्लस v3 अप vn n, तो वो जो अगर सॉल्व किया जाए, हम कर नहीं रहे, सॉल्व करके वो आंसर ये आएगा। इसको बॉक्स में डालो, पहला फॉर्मूला बॉक्स में डालो, अंडर रूट ऑफ 8 kT/πm, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज या मीन वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। पहला रिजल्ट क्लियर है। इसमें कैप स्मॉल m का मतलब क्या है? एक मॉलिक्यूल का मास, एक मॉलिक्यूल का मास। अब एक चीज याद रखना, जो k बोल्ट्समैन कांस्टेंट होता है, ये करना नहीं सिर्फ सुनना है, बोल्ट्समैन कांस्टेंट क्या होता है? R/n, गैस कांस्टेंट बाय n। एक मॉलिक्यूल के मास को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो गैस का मॉलिक्यूलर मास आ गया। तो दूसरा फॉर्मूला याद करें, मीन वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी का पहला ये फॉर्मूला और दूसरा ये फॉर्मूला, बस दैट्स इट, तीसरा कुछ नहीं। इसको बॉक्स में डाल लें, ठीक। एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी अगर पर मॉलिक्यूल की आए, अब इंपॉर्टेंट सुन लो, नहीं तो पागल हो जाओगे स्मॉल एम कैपिटल एम में देख देख के, समझ में नहीं आएगा। स्मॉल अगर वो पूछे कि एवरेज वेलोसिटी न्यूमेरिकल आता है जिसमें मॉलिक्यूल का मास देता है छोटा एम, फिर तो ये फॉर्मूला, और जिसके अंदर गैस का मॉलिक्यूलर मास देता है उसमें ये फॉर्मूला। अब इसको याद कैसे करना है, मैंने अभी बताया था जिन रिजल्ट्स में केटी यूज होता है, केटी वो पर मॉलिक्यूल में चल रही होती है, यानी कि वहां पर उन फॉर्मूला में जो मास है वो एक मॉलिक्यूल का होता है, और जिन फॉर्मूला में आरटी होता है उनमें जो मास यूज होता है वो मॉलिक्यूलर मास यूज होता है। याद करने का बड़ा सही तरीका है, आप कोई एक फॉर्मूला याद कर लें, मान लो ये याद कर लिया एक मॉलिक्यूल के साथ, सिंपल केटी को रिप्लेस करेंगे आरटी, तो स्मॉल एम अपने आप रिप्लेस हो जाएगा, तो फॉर्मूला अपने आप याद हो गया, सही है। अब जैसे आरएमएस है, आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला ये हमने किया था 3RT/M, अब क्योंकि आरटी है तो कैपिटल एम, इसको अगर मॉडिफाई करूं, करना नहीं है आपने, मॉडिफाई करके केटी बना सकता हूं, तो फिर ये क्या बन जाएगा? स्मॉल एम। अब ये नोट कर लें ये वाला और ये वाला फॉर्मूला, वैसे अगर ये याद हो गया ये तो बनी जाएगा अब आपसे। अब आपको ना न्यूमेरिकल में पढ़ना पड़ेगा पर मोल है या पर मॉलिक्यूल है, अगर तो मॉलिक्यूल है तो केटी, अगर पर मोल है या गैस का मॉलिक्यूलर मास गिवन है तो आरटी, ठीक। तो वी आर एम एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर मास का अंडर रूट। एक और वेलोसिटी होती है जिसको मोस्ट प्रोबेबल बोलते हैं, इस पे न्यूमेरिकल नहीं आता, पर सुन लो ये है क्या चीज। किसी ने पूछा कि चंडीगढ़ के रास्ते में अगर जाएं तो ट्रैफिक की एवरेज, ट्रैफिक की मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है? मैंने कहा मोस्ट प्रोबेबल मतलब ट्रैफिक तो अलग अलग वेलोसिटी से चल रहा है, कोई पैदल चल रहा है 2 km/h, कोई साइकिल पे चल रहा है 10 km/h, कोई बहुत तेज बाइक चला के घूम रहा है उसको कैमरे का डर ही नहीं है 100 km/h, पर ज्यादातर लोग किस रेंज में चलते हैं? 45 से 60 km/h। ज्यादातर लोगों की कार की वेलोसिटी 45 से 60 मिलेगी आपको, उसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो मूव ही नहीं करते, बस बैठा है एटम, और कुछ या मॉलिक्यूल बैठा है। कई मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो बहुत जबरदस्त स्पीड से मूव करते हैं,
पर हम ये नहीं कह सकते हैं उनकी वेलोसिटीज हैं। लाखों मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो एक रेंज में रहते हैं, उस रेंज की वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल। ये इसका फॉर्मूला रहता है, वही के टी बाई छोटा एम आर टी बाई बड़ा एम तरीका मैंने बता दिया। नीट और मेन में दोनों में क्वेश्चन आया हुआ है, एक एक बार पुराने पेपर में चेक कर लेना, ये क्वेश्चन आया है। आरएमएस वेलोसिटी सबसे बड़ी होती है मॉलिक्यूल्स की, फिर आती है एवरेज और सबसे आखिरी आती है मोस्ट प्रोबेबल। आपको चार ऑप्शन देगा, इनइक्वालिटी आपको एक करेक्ट मार्क करना है। तो पॉइंट समझ में आया, ये कहानी क्यों बताई गई, ताकि आपको समझ में आए कि कौन सी वेलोसिटी कैसे यूज करनी है।